अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैंने पहले किसी वीडियो में एक क्विज के तौर पर एक सवाल छोड़ा था कि इंडिया ने अपनी स्ट्राइक फोर्स पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर से हटा लिया है, क्या वो हमारा दोस्त बन गया? दूसरी बात, दिसंबर 2020 से आज मई की 2 तारीख है, क्या ये 5 महीने पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर के ऊपर कोई फायर नहीं हुआ? क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की वायलेशन नहीं हुई? जो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका वो क्रॉस बॉर्डर वायलेशन नहीं हो रही, मतलब ये अब इस वक्त कोई गोली नहीं चल रही। तो इसमें दो जगह से सोर्सिंग है मालूमात की। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बहुत पुराने पाकिस्तान प्रो पाकिस्तानी राइटर हैं, उन्होंने लिखा है कि इंडिया ने अमेरिका से फरमाइश की कि वो 5 वीटो ममालिक के साथ छठा मुल्क बनना चाहता है वीटो पावर होल्डर। एंड इंडिया की चाहत है कि उसे तालिबान के अफगानिस्तान में भी स्टेक मिले, उसे मुज़ाकरात में शामिल नहीं किया जा रहा तो उसे भी शामिल किया जाए। अमेरिका ने पकड़ के एक तरफ इंडिया को लॉलीपॉप दी कि भाई तुम तो बॉर्डर के ऊपर फायरिंग चला रहे हो, तुम छठा मुल्क कैसे बन सकते हो वीटो पावर का। और दूसरी चीज, उन्होंने साथ ही उनको दाग दी लॉलीपॉप के तौर पे कि अफगान की जो तालिबान के साथ तअल्लुकात है वो तो पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के साथ तो भिड़ा बैठा, तो किस बुनियाद पे हम पाकिस्तान के थ्रू तालिबान से बात कर रहे हैं, तुम कैसे डायरेक्ट हो सकते? नहीं हो सकता, पहले पाकिस्तान से बेहतर कर। तो ये जो सोर्सिंग है ये न्यूयॉर्क टाइम्स में मजमून छपाया है, उसमें है। आम कंसेप्ट ये है कि चाइनीज यही बात कर रहे हैं, यही बात इंडिया ने चाइना से भी की इस अक्साई चिन के चक्कर में। इन्होंने उनसे भी मुज़ाकरात के दौरान बात की तो उन्होंने भी तकरीबन यही बात की कि पाकिस्तान और ये जो आपके ऑफेंसिव हैं ये चलते रहेंगे तो ये नहीं हो सकता। मैं तो उन्होंने बाकायदा चाइना से कहा कि आप वीटो तो नहीं कर देंगे, तो उन्होंने कहा हम तो इसलिए करेंगे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑफेंसिव चलाई खड़े हैं वो होते हुए तो जरूर होगा, ये कैसे हो सकता। ये वजह है कि इंडिया ने स्ट्राइक फोर्स भी हटा ली है। ये इंडिया का लॉलीपॉप पाकिस्तान को आया कि हम बड़े अच्छे, लेकिन उनके दिमाग में फतूर बेतहाश है। वो अगर वीटो पावर लेंगे तो वो और ज्यादा शरंगेज हो जाएंगे और ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। जो कुछ उनके मुल्क में इंतहा पसंदी चल रही है या जो भी उनका इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मजाक बना हुआ है, ये जो गौमूत्र वाला है, गोबर खाने वाला, ये इतना इनके लिए जलालत का बायस बन रहा है। और इस वक्त 15,000 दिल्ली की अमवात हो रही है, न्यू दिल्ली बंबई समेत 15,000 लोगों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं है। आप इस चीज का अंदाजा नहीं कर सकते कि
जो गुस्सा आम पब्लिक में है उससे ज्यादा मीडिया एंकर नहीं शो कर रहा. मीडिया एंकर जो इंडिया के जो प्रो बीजेपी हैं वो तो खरीदे हुए हैं, वो तो फालतू है. तो पब्लिक में बड़ा गुस्सा है, पब्लिक में बेइंतहा गुस्सा है. ये बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी अगर ये प्रोलॉन्ग करता है फॉर लॉन्गर टाइम. इस वीडियो के लिए हम कोशिश करते हैं कि वी विल स्विच ओवर टू द एक्चुअल टॉपिक वेरी फास्ट वेरी क्विकली. अगर हम आज के टॉपिक को देखें तो आज का टॉपिक है डीजी खान डीजीकेसी डीजी खान सीमेंट. जो लोग बिलीव करते हैं कि हम डिविडेंड लेने के वक्त पे बाय कर लेंगे और उससे जान छुड़ा लेंगे, नहीं. आपको डिविडेंड के वो 2-4-5-7 रुपए फायदा नहीं देंगे, आपको बकायदा शॉर्टकट छोड़ने पड़ेंगे. शॉर्टकट कोई हल नहीं है जिंदगी में. कोई काम आप शॉर्टकट से करेंगे वो सीधा नहीं होगा. हाँ, ये है कि आप चलते चलते जा रहे हैं तो रास्ते में आपको वैगन मिल गई है और वो उधर ही जा रही है जिधर आपने जाना है, तो वो आपको वैगन में बैठने से ही शॉर्टकट हो गया. लेकिन यहाँ डीजी खान सीमेंट पे 110 का आज का रेट है, मैं इस पे एंट्री बिल्कुल नहीं करूँगा. मैं ना रेकमेंड करूँगा ना खुद लूँगा, क्योंकि 2019-20 का लो था 47. कुछ ज़्यादा देर नहीं है, 10 महीने पहले की बात है. 47 लो पे जब मिलता है तो आप 110 पे क्यों लेंगे? मेरी समझ से बाहर है. लोग ले लेते हैं और फिर कहते हैं भाई लेने वक्त मशवरा कर लो, लेने वक्त पूछ लो. और बताने वाले मशवरा देने वाले लेने वाले को फिर जाके कह देते ले 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 ले. मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, 110 पे ले. अब नए सिरे से अगले साल का हिसाब से इसका सर्दियों में ऑफ सीजन है, आप सर्दियों में इसको बाय करें. सर्दियों में इसका रेट बहुत नीचे चला जाता है, 47 से भी नीचे चला जाता है. अब अगर इसकी आज का रेट कुछ दिन पहले 4 वर्किंग डे पहले ही 127 पे था, ये 4 दिनों में 110 पे आया है, वो क्यों? वो यही नेटो सप्लाई का खौफ. मैंने फेसबुक पे एक प्रोफाइल को देखा, उसने कमेंट किया हुआ था, टाइटल था कि 1 मई को क्या होगा. या वो जो 700 पॉइंट माइनस हुई फ्राइडे को, तो एक पोस्ट थी कि जी ये 700 पॉइंट माइनस क्यों हुई, तो नीचे अक्सरियत ने लॉकडाउन का रीजन लिखा था. मैंने एक भी कमेंट ये नहीं देखा कि वी आर हेडिंग टूवर्ड्स नेटो सप्लाई प्रॉब्लम. अब नेटो सप्लाई प्रॉब्लम तो थोड़ा सा रिजॉल्व होता नजर आ रहा है, क्योंकि थैंक्स टू ISI उन्होंने तालिबान को एग्री करा दिया है कि वो अब्दुल्ला से भी मुज़ाकरात करें, तालिबान और अशरफ गनी से भी मुज़ाकरात करें. और वो अच्छे मुज़ाकरात करने वाले हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं. उन्होंने अमेरिका जैसे इन जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल को बिछाड़ दिया, तो ये क्या चीज़ है? अब आप डीजी खान सीमेंट को देखें, 2014 में फोर्थ क्वार्टर में 3.5 रुपए दिए. मैं सिर्फ कैपिटल गेन के हिसाब से डीजी खान सीमेंट को बोल रहा हूँ. इसमें कोई हालात नहीं है कि आप डिविडेंड की बुनियाद पे इसमें एंटर हो. ये डिविडेंड के हिसाब से मैं नहीं किसी को रेकमेंड करता. मैं कहता हूँ कि आप 50 पे लें, 100 पे भेजें, इतनी सी गेम रखें, कीप इट सिंपल. सिंपल लाइफ इज बेटर रादर देन कि आप 50 पे लें और
110 पे एक्स हो जाए, आपको मिले 6 रुपए, 6 के बाद ये नीचे 90 पे ओपन हो और आपके सोचते सोचते देखते देखते वो 10-15 रुपए नीचे गिर जाए। ये अक्सरियत के साथ होता है। अब ये 127 से 4 दिनों में 110 पे आया, ये 17 रुपए गिरा 4 दिनों में। जैसे वो सब बिफोर में 120 पे लेके 142 पे सेल कर दिया, 142 पे सेल करके 130 पे ले लिया, तो अगले दिन 125 था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाइंग भी सॉफ्टली करें ताकि आपको एवरेज अच्छी मिले। इसी तरह सेलिंग भी आप शुरू करेंगे तो वो और ऊपर जाएगा। आपको अच्छा ऊपर का रेट एवरेज लेने के लिए आपको शुरू कर देनी पड़ेगी। आप ये नहीं कर सकते कि यकमुश 4,000, 5,000, 10,000 आप एक ही थर्ड करता मरें और ले लें, उसके बाद देखेंगे वो तो 15 रुपए और ऊपर चला गया, फिर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। वही आप 5-500 करके सेल करें ताकि आपको ग्रैंड एवरेज अच्छी मिल जाए। अब 2015 में इसने फोर्थ क्वार्टर में 5 रुपए दिए, जबकि इसका अर्निंग पर शेयर 17.70 रुपए था। आप इसको प्रोपोर्शन को वही 1/3 ले लें, 1/3, जबकि 2014 में 3.5 3.5 रुपए डिविडेंड था तो 13.7 अर्निंग पर शेयर था। अर्निंग पर शेयर में इसलिए अब साथ साथ मेंशन कर रहा हूँ कि उसकी प्रोपोर्शन का आपको पास जजमेंट हो, क्योंकि वो पहले क्वार्टर, दूसरे क्वार्टर, तीसरे क्वार्टर में कोई डिविडेंड नहीं दे रहा, तो वो उसकी अर्निंग पर शेयर पहले 2-3 क्वार्टर में आप वॉच करेंगे तो आप उसकी बाइंग प्लस माइनस करेंगे ना। आप 50 पे तो ले चुके, अगर आप देखते हैं कि उसमें अर्निंग पर शेयर पिछले सालों से ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा साथ और ले लें, बढ़ा लें। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, मैं किसी फिक्स फॉर्मूले का ना कायल हूँ ना रेकमेंड करूँगा। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वक्त और हालात के मुताबिक आपको चेंज करना चाहिए। 2016 में इसने 6 रुपए डिविडेंड दिया फोर्थ क्वार्टर में, 19.50 रुपए अर्निंग पर शेयर है, ये भी 1/3 तकरीबन बनता है। 2017 में इसने 7.5 रुपए डिविडेंड दिया, 18 रुपए अर्निंग पर शेयर था। 2018 में इसने फोर्थ क्वार्टर में 4.5 रुपए डिविडेंड दिया, 20.25 रुपए अर्निंग पर शेयर था। 2019 में इसने 1 रुपया डिविडेंड दिया, जबकि अर्निंग पर शेयर 4.16 रुपए था। ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। 2020 में इसने लॉस शो किया, पहले क्वार्टर में 3.30 रुपए लॉस है, दूसरे क्वार्टर में 2.16 रुपए लॉस है, तीसरे क्वार्टर में 4.61 रुपए लॉस है, चौथे क्वार्टर में 5.05 रुपए लॉस है। ये आप अभी इस चीज को इस तरीके से समझेंगे, ये 5.50 रुपए का जो लॉस है वो थोड़ा लॉस नहीं है। लेकिन 2020-21 में फिर इसने इम्प्रूव किया, पहले क्वार्टर में इसने 67 पैसे लॉस शो किया, फिर इसने प्रॉफिट शो किया 1.83 रुपए दूसरे क्वार्टर में, तीसरे क्वार्टर में भी इसने 6.50 रुपए प्रॉफिट शो किया। अब आ जाएं आप इसका जो 2020 जून के बाद फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट आना है तो उसमें इसने डिविडेंड देना है। जो साहब 50 पे ले चुके हैं वो 110 पे बेच दे, या वेट करना है तो ये दोबारा 127 तक जाएगा, उस पे बेच दे। ये रखने का नहीं है, ये 50 रुपए 65 रुपए का कैपिटल गेन इज बेटर देन
5-6 रुपीस डिविडेंड। बाकी रहा जो आपके अख्तियार में, जो आपकी पैसा आपका है, आपने डिसाइड करना है, अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हैं तो वो उसमें रहना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, लेकिन बहुत अच्छे मौके आएंगे क्योंकि सेट ऑफ आना है। अगर आप 110 पे बेच देते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, अगर आप 127 का वेट करके 127 पे बेचते तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी किसी दिन कोई एक धमाका होता है तो आपकी सारे प्लान जबरदस्त हो जाते हैं, ये कोई एंटिसिपेट नहीं कर सकता, किसी को नहीं मालूम। बाकी 2019-20 में जो लोएस्ट लगाया वो 47 था, हाईएस्ट ने लगाया 119, 2020-21 का इसने हाई 127 लगाया, लेकिन हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं 19-20 का। तो 2012 में इसने 17 पे लो किया, अब 17 रुपये पे जब लो पे जाता है 2012 में ये 17 रुपये किया, जिस साहब ने 17 रुपये में ले लिया वो उसमें बेशक बैठे रहे, उनको क्या फर्क पड़ता, उन्होंने कौन से कोई पैसे लगाए हुए, जो पैसे लगाए हुए वो तो उनको प्रॉफिट समेत वापस मिल चुके हैं, तो इस चीज को बेचने का उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। जो डिविडेंड आ रहा है वो तो एक किस्म का किराए के मकान के तौर पे आपको आ रहा है, वो आप ले। 2017 में इसने 250 हाई लगाया, तो इसकी छत हो गई 250 और लो हो गया अंडर 50। मैं इसकी बेस्ट बाय रेकमेंड करूंगा 50, अंडर 50। फिर कई साहब उठ के खड़े हो जाएंगे कि जी 50 अब नहीं मिलेगा, ये भाई 10 महीने पहले उसने 47 लगाया और अभी आगे फैट अप आना है, अभी तालिबान ने कोई, अभी एक झड़प हुई है, 10 लोग मारे गए हैं, वो अफगान आर्मी के 10 लोग मारे गए हैं, 2-3 इधर भी मारे गए हैं, वो तालिबान वाले भी चाइना वाला काम करते हैं, अपने मरे हुए बंदों का जिक्र नहीं करते, वो उन्होंने 10 का अनाउंस कर दिया। मैं आपको इस तरीके से कहूंगा कि 20 सालों के रिकॉर्ड में से 12 साल इसने लेस देन 50 शो किया और इसमें खासी वेरिएबिलिटी है, 20 भी है, 15 भी है, 17 भी है, 26 भी है, 31 भी है। तो आप डीजीकॉन सीमेंट को सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन लेने के लिए यूज करें, मैं डिविडेंड के हक में नहीं हूँ कि आप 5 रुपये लेके 100 के ऊपर फंस जाएं और फिर इंतजार करें पूरे 1.5 साल कि ये 100 से ऊपर जाएगा तो मैं निकलूंगा, वो पैसे आपके फंस गए। पैसे फंसाने वाले ज्यादा लोग हैं, कैश पे रहने वाले कम लोग हैं। अक्सरियत कहती है कि जी वो हम तो सारे पैसे तो हमारे लगे हुए स्क्रिप्ट में और सब लॉस में है, हम निकल नहीं सकते, लॉस में बेचेंगे तो फायदा क्या। तो मैं ये स्ट्रेटजी इसलिए रख पिछले 25 साल से रखी बैठा हूँ कि मैंने अपने लोएस्ट बेस्ट रेट्स डिसाइड कर लिए, वो भी प्लस माइनस करता रहता हूँ, वो फिक्स नहीं। अगर कोई साहब 10,000 शेयर्स 50 रुपये पे बाय करते हैं तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी 5 लाख। कोई साहब अगर 10,000 शेयर सेल करते हैं 115 पे, जबकि 19-20 का हाई था 119, तो 115 पे वो सेल कर देते हैं तो 11,50,000 उसमें कैश वसूल करते हैं, 6,50,000 आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, तो नेट प्रॉफिट जो है वो 6 लाख आपको मिलता है। ये 6 लाख फार बेटर है जो वो पीनट्स आपको 6 रुपये मिलने हैं। फॉर गॉड सेक, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स और लॉजिक को इस्तेमाल करें, कॉमन सेंस को इस्तेमाल करें, जबकि कॉमन सेंस कॉमन नहीं है। 6 रुपये डिविडेंड के पीछे मत जाएं, कैपिटल गेन लें, बाकी डिफेंसिव प्ले करें। आपको मेरी बातें अच्छी लगें कमेंट में अप्रिशिएट करें, थैंक यू वेरी मच, लाइक करें,
और सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फेसबुक पे शेयर करें. थैंक यू वेरी मच. खुदा हाफिज़. राम राम.